नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपके साथ मैं हूं सहयोगी वैभव भोला वैभव ये मैंने स्कोर कार्ड खोला हुआ है टीम का और जो मैं देख रही हूँ मैं बहुत हैरान हूँ जब मैं आपसे पहले मैंने आपसे बात की थी तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी साढ़े तीन सौ तक तो इन्हें बनाना होगा लेकिन अब जब मैं आपसे बात करने आई हमने देखा इंडिविजुअली तो छोड़िए आप 50 रन नहीं बना पाए नहीं आज बनाया काफी रन बनाया इंडिया ने नहीं, नहीं, नहीं इंडिया ने आज काफी हाँ। रन हैं आज कल इंडिया ने 233 पर छे थे हाँ। और आज जब इंडिया बल्लेबाजी करने आई है हाँ। उन्होंने 11 रन बनाया जोश ना आप मतलब क्या मतलब बोल रही है ग्यारह रन ग्यारह रन होते हैं इतने मतलब बड़े खिलाड़ी रिद्धिमान सा मतलब कोई अगर ये पांच खिलाड़ियों का इन ग्यारह रन से जोड़े जो आज इन्होंने बनाया तो मतलब हर प्लेयर ने अराउंड ढाई रन बनाया शायद अरे दो रन का लिफाफा नहीं देता बट आज आपको मिला ग्यारह रन का लिफाफा आज आपको मिला है और बहुत ही शर्मनाक है मतलब जिस तरीके से कल जो आपका स्कोर था वन एटी एट फोर थ्री थे आप और आज आप ऑल ऑल आउट हो जाते हैं दो सौ चवालीस रन पर मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करें इस टीम से मतलब जब इतनी अच्छी आप एक आपने मैच को होल्ड कर लिया था आप टीम काफी ज्यादा ऊपर नजर आ रही थी और उसके बाद फिर अब आप आके ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो देखिए यही जोशना मैं आ, हमेशा बात करता हूं कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि हमारे पास बहुत खिलाड़ी हैं हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ओपनिंग किससे हाँ। करवाएं हमें समझ नहीं आ रहा हम कीपर किसको खिलवाएं क्योंकि हमारी टीम बहुत मजबूत है लेकिन मजबूत टीम का फिर रिजल्ट दो सौ चौवालीस रन उसमें से भी आप सेवेंटी टू रन निकाल दें विराट कोहली के चालीस रन निकाल दें चितेश्वर पुजारा के अच्छा क्योंकि आपने विराट का जिक्र किया एक सौ अठासी रन तक तो वही पहुंचा के गए थे विराट के बाद तो टीम ने कुछ किया ही। कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया मतलब ठीक है अगर विराट कोहली आउट हो भी गए थे सेवेंटी के बाद उसके बाद बहुत मौके थे रिधिमान शाह के पास हनुमा विहारी के पास आर अश्विन के पास अजिंक्य रहने के पास मतलब लेकिन वही है ना कि विराट है तो टीम है विराट नहीं है तो टीम नहीं है उससे पहले हम बात करें चेतेश्वर पुजारा वर्सेज वाली बात ही हो हाँ, नहीं, है। नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं इंडियन टीम की जो पहली इनिंग रही है शुरुआत आपकी खराब रही उसके बाद आपको पुजारा ने आकर संभाला विराट कोहली ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अजिंक्य राणे भी आए उन्होंने तेजी से रन तो चालीस बना लिए लेकिन उन चालीस रन का क्या फायदा है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं आप चालीस रन किसके लिए बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं कि आपकी जो टीम में जगह बनी रहे ऐसा नहीं होता आपको रन बड़े बनाने होंगे और उसके बाद आप हनुमा विहारी की हम बात करें आपको एक बतौर बल्लेबाज खिलाया जा रहा है आपको ये नहीं भूलना चाहिए के राहुल बाहर बैठे हुए हैं शुभमन गिल बाहर, बाहर बैठे हुए हैं मतलब आप आते हैं मतलब आपने अपनी जगह को बहुत ही ज्यादा मतलब कैसे मजाक में ले लिया है और उसके बाद रिद्धिमान शाह जिस तरीके से हम लगातार बात करें रिद्धिमान से तो मतलब बल्लेबाजी की आप टेस्ट क्रिकेट में विदेशी कंडीशन में उम्मीद ही नहीं कर सकते आज जिस तरीके से सुबह आपसे जब हमारी बात हुई थी, थी तो आपने पूछा था कि रिधिमान शाह से आपको क्या उम्मीद है Excitation. तो मैंने बोला था मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मतलब वो ऐसे ही करेंगे आपने गलत गलत फैसला लिया आपको ऋषभ पंत को हर हाल में खिलाना चाहिए क्योंकि आपको पता है हनुमा बिहारी रिधिमान शाह अजिंक्य राना चिधेश्वर पुजारा सभी एक शैली के बल्लेबाज हैं अगर ऋषभ पंत इस टीम में होते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रिधि ये रिधिमान शाह ने कितने रन बनाए हैं आपके बता दू रिधिमान शाह नौ रन बनाए तो कम से कम आपको छब्बीस गेंदे चालीस गेंदे जितनी भी ऋषभ पंत खेलते उसमें वो आप कम से कम तीस चालीस रन जरूर बना कर देते तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ और अब यहाँ से मतलब इंडियन टीम के लिए इस टेस्ट मैच को बचाना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है जब आप पहली पारी में सिर्फ दो सौ चौवालीस रन बनाएंगे और सामने स्टीवन स्मिथ और मानस लबुशेन जैसे बल्लेबाज हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अब आप ये मान लीजिए आप ये पहला टेस्ट मुझे लग रहा है आप हारेंगे और 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 आप चार शून्य से कहीं सीरीज ना हार जाए वो बात सच ना माइकल की। बिल्कुल बिल्कुल होगी हो हो आपने बहुत ही बहुत निराश किया आपने पहली पारी में कप्तान विराट कोहली पुजारा की मैं जरूर तारीफ करूंगा हर बार की तरह यही दो खिलाड़ी हैं जिनमें क्षमता नजर आती है जिनमें दम नजर आता है ये दोनों अगर बातें भी करते हैं ना तो बातें इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता ही रन बनाते हैं <सथ> बनाते बाकी हैं। मतलब अजिंक्य ने हर बार बातें करते हैं कि मतलब जा रहा हूँ ऑसीज की एक बार बात कर लें तो आप पहले भी चर्चा में कह रहे थे कि जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है ये कमजोर है तो अभी बोलिंग करा रहे हैं उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह तो इनके पास एक मौका जरूर है कि आप बल्ले से तो अच्छा नहीं कर पाए कम से कम चलिए तो गेंदबाजों तो से मैं तो मैं देखिए गेंदबाजों से देखिए गेंदबाज हाँ टीम, नहीं हाँ, हाँ गेंदबाजों हाँ, से आप ज्यादा बल्लेबाजी की हाँ, उम्मीद करते भी नहीं लेकिन आप जरूर उम्मीद होगी कि दो आपने बनाए हैं तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप ऑस्ट्रेलिया को मुझे पूरा तरीके से श्योर है कि ऑस्ट्रेलिया तीन कम से कम 300 रन जरूर बनाएगी आप चाहे जितनी अच्छी गेंदबाजी कर लें अच्छा। और अगर वो 350 तक पहुंच गया तो फिर वो तो क्लियर हो जाएगा मैच हार रहे हैं मैच हार रहे हैं तो मतलब आ, अब आपको क्या लगता है आज मैच शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट इनिंग का आ, आपको क्या लगता है कितने सेशंस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो अभी खेलेंगे अभी आपके गेंदबाजों पे थोड़ी सी मार पड़ने वाली है आपकी ओपनर्स से मैं ज्यादा

की बात करें शुरुआत आपने शुरुआत नहीं में नहीं। दो विकेट ले लिए तो आपके गेंदबाजों में वो दम दिखा था बीच में एक साझेदारी हुई जब थोड़ा सा आपका मनोबल टूटा फिर लेकिन जब आपको एक बार फिर विकेट मिलने लगे तो फिर आप और जोर से गेंदबाजी करने लगे यही आपसे जानना चलिए कल का दिन ठीक है लेकिन जब जब आप नए दिन में नया सेशन शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल चार्टअप रहते हैं एनर्जी से जब मैं सुबह आपसे बात भी कर करे थे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे रिधिमान साहब और आर अश्विन से कि बहुत अच्छा माइंड सेट माइंड सेट सर देखो सारा माइंड सेट है जो आपको समझना होगा कि जो क्रिकेट की गेम है बिल्कुल आप बात बहुत बात कर लें कि टेक्निक बहुत जरूरत होती है आप फिटनेस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका माइंड क्या है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग मेंटली ये गेम हार चुके थे हर चीज दे चुकी है मेंटली आप तब हार गए मेरे को मतलब पीछे लग गए जब विराट कोहली रन आउट हुए हाँ। फिर अजिंक्य रहाने भी आउट हो गए फिर हनुमा व्यारी भी आउट हो गए तो फिर रिद्धिमान शाह और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मतलब वो टेस्ट क्रिकेट में तो माइंडसेट अभी उनको बहुत टाइम लगेगा ऋषभ पंत का मैं जरूर कहूंगा उनका माइंडसेट अगर आप उन उनपे लगातार इन्वेस्ट करेंगे तो एक ऐसे खिलाड़ी जिनका माइंडसेट ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं

ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि सेकेंड मैच में रुद्धिमान शाह को ऋषभ पंत से रिप्लेस आप किया आप अगले तीनों मैच ऋषभ पंत को और रिद्धिमान शाह दूसरी पारी में रन नहीं मनाता इस तो। पर विचार कर सकता है मैनेजर। बिल्कुल करना चाहिए आपको पहले मैच में उन्हें खिलाना चाहिए था ऋषभ पंत आप अगले तीनों मैच खिलाइए उनको ऋषभ पंत को उसके बाद रिद्धिमान शाह कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन वो आपको रन बनाकर नहीं देंगे और इस टीम के साथ जब भी आप विदेशों में जाते हैं अब जो एक दिक्कत ये है कि पहले आपके पास सचिन तेंदुलकर होते थे हाँ। राहुल द्रविड होते थे वीरेंद्र सहवाग होते थे वी लक्ष्मण होते थे ये आपको रन बनाकर देते थे अब आपके पास रन बनाने वाले सिर्फ दो खिलाड़ी हैं विराट कोहली चेतेश्वर पुजारा बात खत्म आपको बल्लेबाज चाहिए रन बनाने वाले पृथ्वी शॉ की मैं अगर बात करूं तो क्या अगर नेक्स्ट मैच में हम के राहुल को देख सकते हैं या नहीं नहीं वो पृथ्वी शॉ के साथ गलत होगा शुभमन गिल तो खेलेंगे हाँ। विराट कोहली की जगह पे लेकिन मेरा मानना है अगर पृथ्वी शॉ को आपने पहला मैच खिलाया तो आपको दूसरा अब उन्हें मैच भी देना होगा कि देखिए फिर क्या होगा अगर मान लीजिए आप दूसरे मैच में के राहुल को खिलाते हैं मान लीजिए उनका मैच अच्छा नहीं जाता फिर तीसरे मैच में तो रोहित शर्मा अवेलेबल है आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप एक काम करें आप दो मैच देंगे। आप दो मैच मैच दीजिए दीजिए पृथ्वी शॉ को उसके बाद फिर अगले जो दो मैच है, अगर रोहित फिट फिट होता है फिर आप रोहित रोहित को खिलाइए अगर तब भी नहीं होते तो फिर आप राहुल को एंट्री अच्छा क्योंकि आपने रोहित का नाम लिया रोहित पे क्या अपडेट है रोहित पे अपडेट है रोहित का कल से क्वारंटीन शुरू हो चुका है रोहित शर्मा ने कल एक फोटो भी स्टोरी भी पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे जहाँ उन्होंने लिखा था डे वन मतलब क्वारंटीन के जो चौदह दिन है उसमें से उनका पहला दिन कल शुरू हो चुका था आज वो दूसरा दिन है अब रोहित शर्मा से मैं बिल्कुल ये उम्मीद करूंगा इन चौदह दिन के अंदर कमरे के अंदर फोटो, फोटो अच्छे लग रहे थे काफी काम कंपोज लग, लग, लग रहे थे वो थोड़े से उनके चेहरे का क्लोजअप था तो बॉडी तो नहीं देख पाया अच्छे, चेहरे पे दिख रहे अभी में। हम भी बहुत करते कि हमारे आपके चेहरे भी तो उसमें जरूर टाइम लगता है लेकिन मैं चाहूंगा अच्छे मेंटल स्पेस में रहे रोहित शर्मा क्योंकि इस दौरे पे आपको रोहित शर्मा की बहुत जरूरत रहने वाली है तो अब ये देखते हैं कि अब दूसरा जो दिन है वो आगे कैसे जाता है हाँ और साथ ही ये भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी चुनौती बनता है टीम इंडिया के लिए और जैसा कि वैभव बोल रहे हैं स्टीवन स्मिथ को टीम इंडिया के जो गेंदबाज हैं या फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मोड पर यह मैच पहुंच चुका है बहरहाल अपडेट्स हम लगातार आपके लिए लेकर आएंगे आप हमारे साथ जुड़े बहुत शुक्रिया